शुभमन गिल को भविष्य का अगला महान बल्लेबाज बताया जा रहा है। गिल का प्रदर्शन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में कमाल कर रहा भी है। गिल की बल्लेबाजी में क्लास नजर आती है और टाइमिंग सलामी बैटर की सबसे बड़ी ताकत है। गिल ने वनडे और टेस्ट में भले ही अपने प्रदर्शन से छाप छोड़ी हो, लेकिन क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट यानी T20 में पंजाब का यह बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका है। एक या दो पारियों को छोड़ दे तो गिल के लिए फटाफट क्रिकेट में दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। गिल ने अब तक कुल 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान सलामी बल्लेबाज के बल्ले से 28 की मामूली औसत और 145 के स्ट्राइक रेट से 304 रन निकले हैं। गिल ने इस फॉर्मेट में एक शतक भी जमाया है और 126 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि अगर 126 की पारी को साइड कर दिया जाए तो बाकी 11 इनिंग में गिल के बल्ले से मात्र 181 रन निकले हैं। शुभमन गिल के लिए T20 क्रिकेट में दहाई का आंकड़ा पार करना ही सबसे बड़ा टास्क साबित हो रहा है। 12 पारियों में गिल ने इस फॉर्मेट में 8 बार 10 रन का आंकड़ा तक नहीं पार कर सके हैं। 3 पारियों को मिलाकर गिल ने 249 रन बनाए हैं, लेकिन बाकी 9 पारियों में शुभमन सिर्फ 55 रन ही बना सके हैं। यानी T20 में गिल की बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी साफ तौर पर नजर आई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मैच में भी गिल फ्लॉप रहे थे और तीसरे T20 में 8 रन बनाकर चलते बने थे। T20 वर्ल्ड कप 2024 में शुभमन गिल को ऋतुराज गायकवाड़ से कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। ऋतुराज इस फॉर्मेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करके विश्व कप के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। वहीं गिल की गिरती फॉर्म सलामी बल्लेबाज का T20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना तोड़ सकती है।